नमस्कार दर्शक बंधु समस्त शुभ सकाल आज 16 जुलाई गुरुवार प्रतिदिन पर आज आपको आज समस्त मुख्य खबर तेज भिडियो को शेष पर्यटन देखो आज समस्त मुख्य खबर गुड़िक जापारे आर्व चैनल को नुआक आसी ओलीवुड न्यूज को सब्सक्राइब करने सहित भिडियो को लाइक अंक सेयार करने को भूल। नंबर एक देखा प्रथम खबर कोरोना पे स्कूल नामलेखा अवधि वृद्धि कले सरकार। राज्य में द्रुतगति में वृद्धि पाता कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी राज्य सरकार स्कूल छात्र छात्री नामलेखा अवधि वृद्धि करते गत घोषणा कर छात्र छात्री स्कूल नामलेखा लगी शेष तारीख अगस्त 14 तारीख जाए वृद्धि कराने गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते नामलेखा अवधि को अगस्त 14 तारीख पर्यंत वृद्धि करने को राज्य स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सर्वशिक्षा जिला प्रकल्प संयोजक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को चिठी लिखा जाए जणाई दिया जाए पूर्व जून 8 तारीख और जुलाई 15 तारीख मध्य नामलेखा शेष करने निम्ते निर्देश दिया जाए थला। नंबर दुई परवर्ती खबर सीबीएसई दशम श्रेणी रिजल्ट छात्रों को पछरे पकाए छात्री आगे दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर बुधवार सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाई चलित बर्ष मोट पास हार 91.46% रही तेज ए वर्ष छात्रों पछरे पकाए बाजी मारी नहीं छात्री परीक्षा छात्री मानकर पास हार 93.31% रही बेले 90.14% छात्र पास होती सीबीएसई रिजल्ट अनुसार चलित बर्ष छात्रों अपेक्षा छात्री मानक पास हार 3.17% अधिक रही 2019 मसीह छात्री मानक पास हार छात्रों ठार अधिक रही गत वर्ष 92.45% छात्री पास करे छात्र मानक पास हार चलित बर्ष पर 90.14% रही तेज ए वर्ष छात्री पास हार गत वर्ष अपेक्षा अधिक रही। नंबर तीन कोविड केयर होम पर एएनएम को मिल अस्थायी निजुक्ति दिनक 850 टंका महामारी कोरोना विरोध में मुकाबला करने प्रति पंचायत कोविड केयर होम व्यवस्था कर 10-20 जन व्यक्ति रहिबार व्यवस्था करा प्रति पंचायत होगा कोविड केयर होम पर जड़े जड़े एएनएम को अस्थायी भाव में निजुक्ति दिजिव कोविड केयर होम रे समग्र राज्य में ग्रामांचल में प्राय 70,000 लोकों रही व्यवस्था करमें प्राय 7,000 एएनएम को निजुक्ति देवा स्वास्थ्य विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई जदि आवश्यक तालीम प्राप्त एएनएम न मिले तेज नर्स और फार्मासीस्ट निजुक्ति हे एन एएनएम नर्स और फार्मासीस्ट पारितोषिक प्रकाश पाई दैनिक एएनएम को 850 टंका नर्स और फार्मासीस्ट को 1,000 टंका मिल एएनएम नर्स और फार्मासीस्ट को 3 मास निजुक्ति दिजिव। नंबर चार ओडिशा रे 450 टंकार हेबो कोरोना परीक्षा ओडिशा रे एणिकि घरोई लैब रे होई पारिबो एंटीजेन परीक्षा एथिपें 450 टंका धार्य करिसेंति राज्य सरकार आईसीएमआर प्रोटोकॉल अनुसार एही परीक्षा हेबो कोरोना होइछि कि नै ता परीक्षार अध घंटा भितर जणा पडिबो ओडिशा रे कोरोना स्थिति अणायत होइ पडिछि आक्रांतक संख्या बढ़ुता बेले मृत्यु संख्या भी बढ़ी चलती प्रतिदिन 500 अधिक लोक आक्रांत होउछन्ति फल राज्य सरकार चिंता बढ़ी अधिकरु अधिक नमूना परीक्षा करने उपर राज्य सरकार जोर दौंस फल घरोई लैब एंटीजेन टेस्ट करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। नंबर पांच चीनु हवे को भारत जियो देव टक्कर जियो लॉन्च कर स्वदेशी 5G सेवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत योजना बड़ पदक्षेप ग्रहण करने को घोषणा कर रिलायंस जियो रिलायंस जियो इंडस्ट्रीर 43वां वार्षिक साधारण बैठक में कंपानी अध्यक्ष मुकेश अंबानी अनेक बड़ घोषणा करते आसंता वर्ष सुधा संपूर्ण स्वदेशी ज्ञानकौशल 5G प्रौद्योगिकी विद्या भारत में आरंभ हो एवं 5G समाधान आरंभ कर समाधान द्वारा भारत में 5G सेवा मिल पार केवल भारत नुहे समग्र विश्व यार फायदा पाव यार मान मध्य विश्वस्तरीय हो 100% स्वदेशी ज्ञानकौशल 5G नेटवर्क आरंभ हो एने खूब शीघ्र ट्रायल आरंभ हो आसंता वर्ष ठारु बजार प्रवेश कर मुकेश अंबानी कहते। नंबर 6 जियो सहित हाथ मिसाइला गूगल आसव सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलो 5G जियो प्लाटफर्म पुंजी निवेश कर गूगल जियोर 7.73% गूगल 33,737 कोटी टाँग नवेश आगे आसी सूचना देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी गुरुत्वपूर्ण तथ्य और सूचना पाया भारतीय माने गूगल व्यवहार करी एणु भारत डिजिटल क्षेत्र को आहुरी सुदृढ़ करने जियो प्लाटफर्म गूगल निवेश कर भारत में 50 कोटी अधिक लोक इंटरनेट व्यवहार करुछन्ति एणु भारत डिजिटाइजेशन को अधिक सशक्त करने गूगल और जियो मिलित भाव में उद्यम करेंगे भारत सबू लोकों हाथ में स्मार्टफोन पहुंचाइबा लगी जियो लक्ष्य रखी एथम गूगल और जियो मिलित भाव में एक सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन प्रस्तुत करने को लक्ष्य रखिंट। नंबर 7 सानिटाइजर उपर लगे 18% GST कोरोना महामारी मध्य मास्क और सानिटाइजर चाहिदा बढ़िबार लगी पूर्व यह अत्यावश्यक सामग्री तालिकु बाद भारत सरकार एवं सानिटाइजर उपर GST लागू करने को योजना करानिटाइजर आल्कोहल बेस्ड होता 18% GST लागू करने को चिंता करथरीटी फर आडभांस रुलिंग पक्ष जो अल्कोहल युक्त सानिटाइजर उपर 18% GST लागू करें कारण एल्कोहल थवस्था हो
नंबर आठ राज्य पुणि 618 पॉजिटिव चिन्हट गंजाम 286 राज्य में लगाम विहीन हो बढ़ी चली कोरोना गत काली 618 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होगा सहित मोट संक्रमित संख्या 14,500 रही राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सूचना देती चिन्हट होता यह नुआक्रांत 411 जन क्वारेन्टाइन सेन्टर चिन्हट होता बेले बाकी 207 लोकाल केस रही जमापड़ी प्रतिथर भी एथर मध्य गंजाम जिलार सर्वाधिक 286 जन पॉजिट चिन्हट होती से हीपरी अनुगुण 14 बालेश्वर 61 भद्रकु 1 बलांगीर 2 बौद्धर 2 कटकु 16 ढेंकानाल 2 जगतसिंहपुर 26 जाजपुर 5 झारसुगुड़ 1 केन्द्रापड़ 9 केन्दुझर 5 जन संक्रमित चिन्हट होती खोर्धा जिलार 107 कोरापुट 1 मलकानगिरी 13 मयूरभंज 21 नयागढ़ 15 पुरी 5 रायगढ़ 1 समलपुर 10 और सुंदरगढ़ 15 जन पॉजिटिव चिन्हट होती नंबर 9 आउ 3 आक्रांत प्राण नेला कोरोना कोरोना रे प्राण हरैले 3 जन आक्रांत एथिसहित राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 77 को वृद्धि पाई एने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ट्विट कर सूचना देती गतकाली गंजाम जड़े 65 वर्षीय व्यक्ति और 86 वर्षीय व्यक्ति कोरोना रे प्राण हरैछन्ति भुवनेश्वर जड़े 72 वर्षीय व्यक्ति कोरोना रे आक्रांत हो प्राण हरैछन्ति आउक मिसाई बर्तमान गंजाम जिले में कोरोना मृत्यु संख्या 46 को वृद्धि पाई बेले खोर्धा जिले में एपर्यंत 13 जन आक्रांत प्राण हरैछन्ति सूचना रही नंबर 10 राज्य में गतकाली सर्वाधिक 612 कोरोना आक्रांत सुस्थ गतकाली राज्य में सर्वाधिक 612 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ट्वीट कर सूचना देती याफल राज्य में सुस्थों संख्या 10,000 टपेगी नुआ सुस्थों मिसाइल राज्य में एपर्यंत 10,476 जन कोरोना रोगी महामारी कोरोना को मात दे घर को फेरी गंजाम जिलार सर्वाधिक 270 जन कोरोना रोगी सुस्थ होता बेले सुंदरगढ़ 84 केन्दुझर 48 गजपति 35 बालेश्वर 31 खोर्धार 28 नयागढ़ 25 जाजपुर 20 मयूरभंज 15 कटक 10 कोरापुट और जगत सिंहपुर 10 जन लेखाएं बरगड़ 6 पुरी 6 बलांगीर और केन्द्रापड़ 3 जन लेखाएं कलाहांडी कंधमाड़ 2 जन लेखाएं और रायगढ़ समलपुर जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत सुस्थ हो घर को फेरी नंबर 11 गंजाम स्थिति संगीन ब्रह्मपुर सीमा है सिल सातोड़ी एनएससी सटडाउन महामारी कोरोना दिनक दिन भयंकर रूप धारण कर ब्रह्मपुर टाउन को सिल कर गत काली गंजाम जिलार छत्रपुर सब डिविजन सातोड़ी एनएससी को सटडाउन घोषणा करिछन्ति उपजिलापाल प्रिय रंजन पुष्टि से सातोड़ी एनएससी है छत्रपुर खलीखट रंभा पुरुषोत्तमपुर कदला कवि सूर्यनगर और पलसरा आज 21 तारीख पर्यंत सटडाउन रहिबो क्रमगत भाव में आक्रांत संख्या वृद्धि पाथवा देखि प्रशासन एपरी पदक्षेप नेबाक बाध्य होइछि नंबर 12 वर्षा सहित वज्रपात 10 जिला को येलो वार्निंग जारी 3 जिले में प्रबल वर्षा आगामी 24 घंटा मध्य राज्य विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा होने पूर्वानुमान करणिपाग विभाग एथस किसी जिले में वज्रपात एथपाग विभाग पक्ष 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करता 24 घंटा मध्य आभ्यंतरण ओडार केतक जिले में प्रबल वर्षा हो पाए एथों सतर्क रहा परामर्श दि जाए विशेषकर मलकानगिरी रायगढ़ नवरंगपुर जिलार गोटे दुई स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगी कहु सेहीपरि कोरापुट कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर सुंदरगढ़ संबलपुर और गजपति जिलार विभिन्न अंचल में वर्षा होगा नहीं सूचना देती भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र नंबर 13 बॉलीवुड रे ओडिया पुओ रामगोपाल वर्मा को आगामी फिल्म रे नवरंगपुर जुवक बॉलीवुड रे चमक देखाइबे ओडिया पुओ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को अपकमिंग मूवी थ्रिलर रे स्थान पाइछती नवरंगपुर जिलार पुओ अजित अरब रकी काची रामगोपाल वर्मा निजे ए संपर्क में ट्विट कर सूचना देवापर नवरंगपुर खेली जाइछि खुशीर लहरी तेज आगामी बॉलीवुड फिल्म थ्रिलर ओडिया जुवक अभिनय सुजोग पाई पुणी हीरो भाव में अभिनेत्री होती जड़े ओडिया से होती अप्सारा वाजिद निज पिलादिन 10-15 वर्ष समय काटिंट नवरंगपुर एवं से रोचान छत्तीसगढ़ नंबर 14 वायु में व्यापुच्छ कोरोना वायु केते घंटा रोच कोरोना विशेषज्ञ देते बड़ तथ्य सारा विश्व में कोरोना काय मेल चलता बेले महामारी को नहीं बड़ तथ्य देते विशेषज्ञ गत किसी दिन तेज़ विश्वर 32 देशर 239 जन वैज्ञानिक दावी करते वायु में व्यापुच भयंकर कोरोना वैज्ञानिकों तथ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वीकार करने गाइडलैन किसीटा परिवर्तन हो अबे कोरोना को नहीं आसी आउ एक बड़ खबर ब्रिटेन रो इंपेरियल कॉलेज रो प्रोफेसर वेडी बार्कोली को कहिबा अनुजाई जड़े व्यक्ति निश्वास छाड़बार एक घंटा पर वायु में उपस्थित रहुची कोरोना भाइरस गुरुत्वपूर्ण कथा होची कोरोना रो अत्यंत छोट ड्रॉपलेट रे संक्रमण खाइबार क्षमता रही है और एथे आशंका कर जड़े सुस्थ व्यक्ति वायु माध्यम कोरोना संक्रमित हो पारे शेष खबर देखा भारत चीन सीमा बिवाद 14 घंटा धरी चलिला कमांडर स्तरीय चतुर्थ बैठक सीमा बिवाद को तुटाइबा पुणि थे भारत और चाइना मध्य उच्चस्तरीय प्रतिरक्षा बैठक बसी दीर्घ 15 घंटा धरी दुई देश सीमार केमी शांति प्रतिष्ठा होपर विस्तृत भाव आलोचना कर
चतुर्थ थर पर दुई देश मध्य होता बैठक में गतका लेफ्टिनेंट स्तरीय कमांडर मैंने उपस्थित रही थे। भारतीय सीमा छुसुले होता एक बैठक में मंगलवार दिन 11:30 आरंभ हो राति 2 जाए चली तेज बैठक में फलाफल संपर्क में किसी भी सार्वजनीन करना कि मिलता सूचना अनुसार भारत एप्रिल मसर शीतावस्था बजाय रखा पर गुरुत्व देती अर्थात एलिसी जो सब अंचल चाइना सेना बलपूर्वक प्रवेश करछंती सेठारु पछक घुंचेबाक भारत दाबी करथिबार कहा जाउछे।